बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ आरिफ अफजाल और प्रोग्राम आप मेरे साथ देखेंगे। मसला ये है ख़वातीन हज़रात, मसला ये है कि पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत से अमन के फूल खिल चुके थे और तस्वुर यही था कि अब वो जो माजी के मुश्किल हालात थे, दहशतगर्दी की फ़िज़ा थी, वो ख़त्म हो चुकी है। फ़ौज ने इस सिलसिले में बड़ा काम किया, लेकिन वो जो काम था वो कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक मरतबा फिर दहशतगर्दी के वो अंगारे फूट पड़े हैं जो कि किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी की सूरत हाल में बहुत सी जानें तल्फ हो जाती हैं, बहुत से ख़ानदान टूट जाते हैं, बहुत से बच्चे माँ बाप से महरूम हो जाते हैं, बहुत सी बहनें अपने भाइयों से महरूम हो जाती हैं, बहुत सी माएँ अपने बच्चों से महरूम हो जाती हैं। ये एक बड़ा सिलसिला है तकलीफ़ दे। ख्याल यही था कि अब सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी, लेकिन अब जबकि 25 जुलाई को पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाला है और इस इलेक्शन के अंदर सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा था कि अमन अमान के साथ इलेक्शन होंगे और फ़ौज ने इस बात की गारंटी दी, इलेक्शन कमीशन ने इस बात की गारंटी दी, लेकिन पेशावर में ANP जो कि इससे पहले भी जुल्म और बर्बरियत का निशाना बन चुकी है दहशतगर्दों के हाथों, एक मरतबा फिर एक कॉर्नर मीटिंग में मारूफ सियासतदान जिनका ताल्लुक ANP से है और पेशावर से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, बैरिस्टर हारून ब्लोर, वो जनाब वफात पा गए, शहीद हो गए एक बम ब्लास्ट में जो कि सुसाइड अटैक था। 2012 में इससे पहले उनके वालिद भी इसी किस्म के हादसे में इस दुनिया से कूच कर गए थे। बशीर अहमद ब्लोर साहब भी ANP के बड़े मारूफ लीडर थे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि वो जो दहशतगर्दी की फिजा दब चुकी थी दोबारा से कैसे खुल गई, दोबारा से कैसे उठ गई और दोबारा से ANP ही उसका निशाना क्यों है। इस सिलसिले में आज मेरे साथ दो शख्सियात फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। एक हैं जनाब अतीक सिद्दीकी साहब, PTV पाकिस्तान के जनरल मैनेजर हैं। ये इनकी अपनी एक हैसियत है लेकिन तजिया निगार हैं, कॉलम निगार हैं, उर्दू और अंग्रेज़ी पर इनको बड़ी दस्तरस हासिल है, जो बोस्टन से इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, अमेरिका की एक रियासत और एक शहर। और उसके अलावा जनाब ताज अकबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि ANP अवामी नेशनल पार्टी USA के प्रेसिडेंट हैं। आप दोनों हजरात को मैं प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूं जनाब। शुक्रिया जी, शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच। ताज साहब, और पहले मैं अतीक सिद्दीकी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा कि पाकिस्तान में सारे अमन अमान के फूल खिले हुए थे, लेकिन अचानक रद्दुल फसाद के सिलसिले में बहुत सी दहशतगर्द अपने बिलों में जाके बैठ गए थे, तहरीक तालिबान कहते हैं कि ख़त्म नहीं हुई, दब गई थी और उसका अब हमने देख लिया नतीजा कि 20 से ज़्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, मासूम लोग। तो ये क्या वजह है कि मसलन एक मरतबा फिर ये दहशतगर्दी के अंगारे फूट पड़े हैं और ANP को निशाना बनाया गया है, ANP के ही लीडर को निशाना बनाया गया है? तो अतीक सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे इस हवाले से आप? ये 2013 के इंतखाबात में दहशतगर्दी अपने अरूज पे थी और उन दिनों पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी और ANP को इंतखाबी अमल से बाहर रखने के लिए हर रोज बम धमाकों का निशाना बनाया जाता था। हमें याद है, आपको भी याद होगा कि उन दिनों पीपल्स पार्टी, MQM और ANP किसी भी जगह जलसे नहीं कर सकते थे, जहां भी इनका जलसा होता था उसमें कोई ना कोई खुदकुश धमाका होता था। तो ये तीनों जमातें इंतखाबी मुहिम से बाहर हुई और उसका इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। जब रिजल्ट आए तो इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया, इन्हें नशिस्तें नहीं मिली, खासतौर पर ANP और पीपल्स पार्टी को। अगरचे के इनकी हुकूमतें रही थी, ANP की पख्तूनख्वा में हुकूमत रही थी, पीपल्स पार्टी की जो थी वो मरकज में हुकूमत थी और वो लोग उनसे खुश नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उनका ज्यादा नुकसान जो है वो इन बम धमाकों की वजह से हुआ था। अब हमारा ख्याल था कि इस मरतबा ये एक फेयर इलेक्शन होंगे, इसमें तमाम जमातों को अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने की पूरी आजादी होगी, ANP, MQM और पीपल्स पार्टी जो है जिस तरह के वो इंतखाबी अमल से 5 साल पहले बाहर रही थी, इस मरतबा उन्हें शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी रमजान के बाद शुरू होने वाली इस इंतखाबी मुहिम में ANP में के पेशावर के इलाके यकतूत में जो बम धमाका हुआ वो ये जाहिर करता है कि दहशतगर्द अब भी जहां चाहे
جس جگہ چاہے جیسے چاہے جسے مارنا چاہے وہ اس پہ حملہ کر سکتے ہیں. یہ اے این پی کو ایک مرتبہ پھر خود زدہ کرنے کی ایک مضموم اور گناونی کوشش ہے. اے این پی کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اور اے این پی اور مولانا اور ملا فضل اللہ جو بھی حال ہی میں افغانستان میں ہلاک ہوئے ہیں ان کی دشمنی بہت پرانی چلی آ رہی ہے. آج ہی جو ہے وہ پاکستان کے اخباروں میں آج کے اخباروں میں آیا ہے کہ ملا فضل اللہ نے اسفندیار ولی سے کہا تھا ان کی حکومت کے دوران کہ مجھے راستہ دو کہ میں پنجاب اور سندھ میں جا کے حملہ کروں, تو اسفندیار ولی نے انہیں انکار کر دیا تھا. وہاں سے اے این پی اور ملا فضل اللہ کی دشمنی شروع ہوئی تھی جو ابھی تک جاری ہے. اور ہارون فیملی بلور فیملی جو ہے یہ پشاور کی موسٹ پرومیننٹ فیملی ہے, ان سے زیادہ پرومیننٹ فیملی پشاور میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بوڑھوں سے بھی رابطے ہیں, جوانوں سے بھی ہیں, غریبوں سے بھی ہیں, امیروں سے بھی ہیں, جن کے پشاور شہر کے ہر حلقے میں ان کے رابطے ہیں. اور پشاور شہر میں کوئی شخص بھی بلور فیملی کو فون کرا کے اپنے جائز کام کاج جو ہے وہ سرکاری دفتروں سے کرا سکتا ہے. یہ اتنی پرومیننٹ فیملی ہے اور یہ پچھلے 10 سالوں سے زیر اعتاب ہے. ہارون بلور کے والد صاحب بشیر بلور, انہیں 22 دسمبر 2012 کو ہلاک کیا گیا. اس کے بعد وہ یہ اسی خاندان کا دوسرا شہید ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ ان کے جو ہے ان پر پہلے بھی کئی حملے ہوئے ہیں. اور ایک شبیر بلور کو بھی ہلاک کیا گیا تھا, وہ بھی غلام بلور کے بیٹے تھے. تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے دہشت گردی میں یہ ہارون بلور جو ہے وہ تیسرا نشانہ ہے. اور میرے خیال میں یہ اے این پی کو انتخابی عمل سے باہر کرنے کی اسی طرف اپنا عتیق صاحب آپ کو اسی طرف لے کے آ رہا ہوں. آپ نے ابتدا میں یہ کہا کہ انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے لیے 2013 میں بھی یہی حربے استعمال کیے گئے تھے, تو یہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ان جماعتوں کو الیکشن سے باہر رکھ کر کسی کو جتوانا چاہتے ہیں, کسی کو ہروانا چاہتے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے فرمائیں گے آپ. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ اے این پی جو ہے وہ ایک بہت پرانی جماعت ہے, اور اے این پی کو کسی بھی صورت جو ہے وہ پختونخوا کی سیاست سے باہر نہیں کیا جا سکتا, چاہے جو بھی آپ کر لیں. اور یہ جو ہے یہ باچا خان کی جماعت ہے, خدائی خدمتگاروں کی یہ جماعت ہے, اور اس کے جو خدمات ہیں پختونخوا کے لیے وہ 100 سال پرانی ہیں. اس کے مقابلے میں باقی جتنے بھی جماعتیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تحریک پاکستان کے دنوں میں یا پاکستان کے بعد جو ہیں انہوں نے, مسلم لیگ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1940 سے وہ پشاور کی سیاست میں فعال ہوئی ہے 1935 سے, لیکن باچا خان تحریک جو ہے وہ 1919-1920 سے چلی آ رہی ہے. اور یہ پشاور سے زیادہ پختونخوا کے دیہاتوں میں پاپولر ہے اے این پی. اور اس کا اور اسے اس سیاست سے اب آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان جماعت اسلامی کو کیوں یہ میں بات چل کے آگے چل کے میں بات کروں گا. لیکن میں اس وقت تاج اکبر صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, اے این پی یو ایس اے کے پریزیڈنٹ ہیں. تاج اکبر صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس موقع پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں کہ بشیر احمد بلور صاحب کے بعد ان کے صاحبزادے بیرسٹر ہارون بلور کو بھی شہید کر دیا گیا, تو آپ کے اس حوالے سے تاثرات, اور آپ سے بھی یہی سوال کہ مثلا اے این پی کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے, جیسا کہ ابھی عتیق صاحب کہتے ہیں جماعت اسلامی کو کیوں نہیں کیا جاتا, کسی اور جماعت کو کیوں نہیں کیا جاتا, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو جو یہ واقعہ ہوا ہے جی, ہم پارٹی کے لوگ اور ہر وہ انسان جو سینے میں دل رکھتا ہے جی, ہم نہایت ہی سوگوار ہیں, اور یہ جو ہوا ہے نہایت ہی بہت ظلم ہوا ہے, اور ایک بے گناہ آدمی کو اور اس کے ساتھ 22 دوسرے بے گناہ لوگوں کو, اس میں بچے بھی شامل ہیں, ان کو بغیر کسی وجہ کے شہید کیا گیا. صحیح. تو اس پہ جتنا ہی وہ ہم مذمت کریں وہ کم ہے, اور جتنا اس کو رویا جائے ہمارا تو یقیناً دل خون کے آنسو روتا ہے. سچ. اب سوال یہ ہے کہ اے این پی کیوں, تو جس طرح عتیق بھائی نے بتا دیا ہے کہ شروع سے ہی اے این پی جو ان لوگوں کے فرنٹ پہ رہی ہے, اور ہم نے ہی بالکل, باقی لوگ تو اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو میرے خیال میں وہ انڈائریکٹلی, اور لیکن ہم تو بالکل سامنے ہی آ گئے ان لوگوں کو, ہم نے بالکل ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم نے ان کو للکارا ہے, اور ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے.
तो उनको पता है कि जनाब यही वो लोग हैं कि उन्होंने हमेशा हमारे रिजिस्ट किया है और हर महाज पे एएनपी जो है ना वो फ्रंट लाइन पे इनके खिलाफ लड़ी। सही। तो जाहिर है कि जो आदमी इस तरह इसी खुले दिल से आके और इस तरह एक आदमी के जिस तरह बिल्कुल दीवार सा बना रहता है, तो जाहिर है यही है कि हमने भी वी हैव पेड द प्राइस फॉर इट और हमें ये कुर्बानियां हम दे रहे हैं जो कि, और ये जो वाकया हुआ है ये भी उन्हीं सिलसिले की एक कड़ी है। तो ये अपना ताज अकबर साहब, ये जैसा कि आतिक साहब ने बताया कि और आपने भी कहा कि क्योंकि एएनपी ने हमेशा इनको हार्ड टाइम दिया है, इनके खिलाफ काम किया है और इसीलिए एएनपी इनका निशाना बन रही है, तो मसलन ये इलेक्शन के वक्त का ही क्यों इंतखाब किया गया है? मसलन 2013 से 2018 तक 5 साल बड़े सुकून से गुजरे हैं, रद्दुल फसाद हुकूमत ने, फौज ने चलाया और वहाँ पर खासी इलाकों को साफ सुथरा किया, तो ये मसलन इलेक्शन का क्या खास तौर पे इंतजार किया जा रहा था? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि मसलन ये अब इस हवाले से कुछ फरमाइए। जी जी, जाहिर है इलेक्शन एक क्रिटिकल टाइम है कि देखे ना एनपी अभी ये जो यही इलेक्शन का टाइम है कि जिसमें एनपी ने अपने उम्मीदवार बनाए हैं और जाहिर कि वो इस कौम को और इस मुल्क का लेजिस्लेटर का एक हिस्सा बनेगी, तो यही तो वो अहम दिन है। जिस तरह 2013 में भी यही हरबे इस्तेमाल किए गए और एनपी को, इवन एनपी को तो कॉर्नर मीटिंग्स में भी नहीं दिया गया, लोगों ने तो फिर भी जलसे किए, एनपी को तो बिल्कुल वर्करों से मिलने नहीं दिया गया। तो और खासकर इसी सिचुएशन में तो हम बहुत ही, और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने भी हमें बहुत ही दिलासा दिया और हमें उन्होंने कहा कि नहीं भाई हालात, बल्कि मेरे ख्याल में इससे एक दिन पहले आईएसपीआर का इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बुलंदबाज दावे किए गए कि जनाब इस दफा कुछ भी नहीं होगा और वो हालात 2013 वाले नहीं है और इस दफा इलेक्शन जो है ना वो शफाफ होंगे और सुकून से होंगे और बिल्कुल अमन होगा, लेकिन ये जो वाकयात होते हैं और जो वाकया हुआ तो ये वाकई उन इन इदारों के जो है उन पे एक खुला सवालिया निशान है कि अगर इस तरह हालात होंगे तो किस तरह एक एक गैर जानबदार और शफाफ इलेक्शन हो सकता है। सही। अतीक सदीक साहब, मेरी इतला के मुताबिक बेगम नसीम वली खान साहिबा को भी पिछले दिनों थ्रेट मिले थे कि आप लोग इधर से मूव हो जाएं और ये हो जाए, कुछ आप इस बारे में फरमाएंगे कि मसलन पूरा एएनपी और जो वली खान और बाचा खान की फैमिली है और ये बलोर खानदान खास तौर पर मसलन निशाने पे क्यों है? मैं आपको बताऊं कि हारून बिलोर की कत्ल की डायरेक्ट जिम्मेदारी जो है वो दो अफराद पे आयद होती है। मैंने जो मुताला किया है अब तक पिछले 24 घंटों में, हारून बिलोर के कत्ल का पहला जिम्मेदार है और मेरा ख्याल है कि एएनपी को चाहिए कि इस जस्टिस के ऊपर ये मुकदमा बनाए और इसके ऊपर हारून बिलोर के कत्ल का मुकदमा बनाया जाए, क्योंकि जस्टिस साकिब निसार ने जो है इसने सिक्योरिटी विड्रॉ की है तमाम सियासतदान। अच्छा। आपको पता होगा कि इसने यानी पंजाब में भी और मुस्लिम लीग के जो जितने सियासतदान हैं और उनके उनकी तमाम सिक्योरिटी इसने वापस कराई है, इसने जो है इसने पख्तूनख्वा के तमाम सियासतदानों की सिक्योरिटी वापस कराई है। ये शख्स जो है ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन है, ये कानून को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, कहने को तो ये अस्पतालों में भी जाता है और स्कूलों में भी जाता है और डैम भी बना रहा है, लेकिन इससे ये इख्तियार किसने दिए हैं? इसका इस हारून बिलोर के कत्ल का पहला जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है और मैं, पता है कि मैं तो इन्हीं अदालत में आ रहा हूँ लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मेरे खिलाफ ये कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, बात आपकी दुरुस्त है, चले। दूसरी जिम्मेदारी जो है, दूसरी जिम्मेदारी जो है वो एएनपी के वर्करों पे आयद होती है कि उन्होंने अपने कायद की जो है वो उसके गिर्द साथ नहीं बनाया। हर शख्स जो है वो जाके गले मिल सकता है। बशीर बिलोर का कत्ल 100% इसी तरह हुआ था जिस तरह के हारून बिलोर का हुआ है, 100% वही पैटर्न था। वो बंदा भी गया था पिशावर के एक अंदरून शहर एक गली में, बशीर बिलोर ने तकरीर खत्म की थी, वो वहां से निकल के आ रहे थे, एक गली में उसने जाके गले मिला और वहां उसने बम फाड़ दिया। और इस हारून बिलोर की जो वारदात है इसमें भी ये बम्बार जो है इसने जाके गले मिला और गले मिलते ही उसने था वो 10 किलो मवाद जो है वो उसने अनलीश कर दिया।
ये जिम्मेदारी एएनपी पे भी आयद होती है कि ये मरने के बाद तो रोते बहुत हैं और चिल्लाते बहुत हैं, एहतजाज भी बहुत करते हैं, लेकिन अपने कायदीन का ये दिफा भी नहीं करते। इन्हें पता होना चाहिए कि इनके साथ क्या हो रहा है, ये दुश्मन के निशाने की जद में है और ये उसके बावजूद जो है हर कोई इनके जलसों में जा सकता है। बस हारून बिलोर और बशीर बिलोर के घर में आप कल भी जाना चाहें तो कल भी आप अंदर तक जा सकते हैं, क्योंकि वो अवामी लोग हैं, लोगों की खिदमत करते हैं और ये दुश्मन जो है इस तरह से फायदा उठाते हैं। ये अवामी लोग हैं, अवामों की और लोगों की खिदमत करते हैं। आतिक साहब, मैं आपको और ताज अकबर साहब यहीं रोकूंगा, एक वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिए। वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह मजीद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। खवातीन हज़रात, प्रोग्राम आप देख रहे हैं मसला ये है, और मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं जनाब अतीक सिद्दीकी साहब, मारूफ तजिया निगार, और जनाब ताज अकबर साहब, एएनपी अवामी नेशनल पार्टी यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। वक्फे के बाद इंशाल्लाह वापस आते हैं तो बातचीत को मजीद आगे बढ़ाते हैं।